एक लड़का बार बार एग्जाम देके फेल हो रहा था, मन से बहुत टूट गया, सुसाइड करने के विचार बार बार आ रहे। उसके पिताजी ने उसको बोला कि ठीक है भाई इधर आ जाओ। उसको वो अपने किचन में लेके गए। किचन में उन्होंने तीन बाउल लिए, एक बाउल में उन्होंने डाल दिया आलू, दूसरे बाउल में डाल दिया अंडे, और तीसरे बाउल में डाल दिया कॉफी के बीन्स बीज। तीनों बाउल में पानी डाला, गैस चालू किया, और गैस चालू करने के बाद में उसको उबालना चालू हुआ। अब वो अच्छे उबल गए, बहुत सारा काफ़ी समय तक उबाल दिया। तो लड़का पूछ रहा बाबा को कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? बोले आप चुप रहो, सिर्फ देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, और 5 मिनट उसको बॉईल होने दो। फिर और 5 मिनट बॉईल होने के बाद में उन्होंने तीनों को गैस बंद कर दिया, तीनों को बाहर निकाला। बाहर निकाला और प्लेट के ऊपर रखा आलू, दूसरे प्लेट में रखे अंडे, और तीसरे प्लेट में उन्होंने रखने के लिए था ही नहीं, क्योंकि वो जो कॉफ़ी के बीन थे उसकी कॉफ़ी बन गई थी। उन्होंने उसको फिल्टर किया और फिल्टर करके कप में जमा करके कप वहाँ रख दिया। अभी वहाँ थे आलू, अंडे और कॉफ़ी। पिताजी ने उसको पूछा आपको क्या समझ में आ रहा है? बोले उसमें क्या समझ रहे, वो चिढ़ रहा था, वो क्या समझना है इसमें? बोले उसको हाथ लगा के देखो। तो उसने आलू को हाथ लगाया, आलू को हाथ लगाया जैसा, तो आलू एकदम सॉफ्ट हो गया था और वो पिचक गया, आलू एकदम पिचक गया था। अंडे अंडे कड़क हो गए थे, उसने उसको थोड़ा सा टैप कर लिया, टैप करने के बाद में उसका ऊपर का जो छिलका है वो निकल गया और अंडे कड़क हो गए थे। कॉफ़ी कॉफ़ी के बीज तो चले गए थे, और कॉफ़ी के बीज चले जाने के बाद में वहाँ तो कॉफ़ी तैयार हुई थी, ब्लैक कॉफ़ी। बोले आपको क्या समझ में आ रहा है? बोले देखो वो लड़का तो बहुत चिड़चिड़ा हुआ था, वो तो कुछ बोलने को तैयार नहीं था। पिताजी उसको बोले देखो तीन पदार्थ थे, तीन एक ही सिचुएशन में गए, तीनों को हमने बॉइलिंग के सिचुएशन में डाला, तीनों को भी बॉइल किया पानी में, मगर तीनों का रिएक्शन जो था वो अलग अलग था। आलू का क्या हो गया? आलू पहले कड़क थे, उबालने के बाद में वो सॉफ्ट हो गए। अंडे पहले सॉफ्ट थे और उबालने के बाद में कड़क हो गए। और कॉफ़ी के बीन हार्ड थे, और कॉफ़ी के बीन्स जो हार्ड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पानी को ही बदल दिया और कॉफ़ी बन गया। देखो तो अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि नहीं वातावरण बदलना चाहिए, वातावरण बदल के कुछ होता नहीं है, सिचुएशन बदल के कुछ नहीं होता है, अपनी मनस्थिति बदल गई तो परिस्थिति बदल जाएगी, मनस्थिति बदलो तो परिस्थिति बदल जाएगी। मनस्थिति बदलना पड़ता है, परिस्थिति सबके लिए सरी की होती है, उसके बावजूद भी लोग अलग अलग उसको रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। बच्चों को उन्होंने बताया कि बेटा आप फेल हो गए, काफ़ी लोग तो फेल नहीं हुए ना, बहुत बहुत सारे लोग भी फेल हुए, बहुत सारे लोग पास भी हो गए, तो आप देखो भी अपने को क्या करना होगा कि आप अभी एग्जाम में इसके बाद में पास हो जाओगे। वो ऐसा नहीं है कि एग्जाम कड़क थी, फिर एग्जाम में कॉपियां हो गई, एग्जाम में ऐसा हो गया, एग्जाम में वैसा हो गया, इसके बदले मैं ऐसा क्या करूं कि वो सिचुएशन में जाऊंगा तो मैं सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करूंगा या मैं खुद ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। तो ये यदि आप करते तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर, जो जो लोग डिप्रेस्ड है उनको ये वीडियो भेजो, जो जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशन को उनको ये वीडियो भेजो, ताकि वो अपने जीवन में पावरफुली लीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।